है आनंद कमलेश त्रिपाठी और मित्रों मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं एक नए गाने के बारे में जिसे कि लॉन्च कर दिया गया है। और इस गाने की अगर मैं बात करूँ तो गाने के बोल आपको है जो सुनाई देंगे वो है ना देवो चुम्मा जी। हाँ, और इस गाने को राजेश दीवाना ने गाया है। गाने का वीडियो आ चुका है, ये वीडियो आप कहाँ देख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो गाना है उसमें खास क्या है ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नए गाने ना देवो चुम्मा की। जी हाँ, ना देवो चुम्मा एक शानदार लोकगीत है जिसे कि लॉन्च किया गया है और इसमें आपको मुकेश ओझा नजर आएंगे फीचर करते हुए, यानी कि डांस करते हुए। शिकारी फिल्म के जरिए चर्चा में आए मुकेश ओझा का इससे पहले एक गाना आगरा का पेठा वायरल हो चुका है और ये भी आर फॉर यू भोजपुरी जो चैनल है वहां से लॉन्च हुआ है। तो आर फॉर यू भोजपुरी चैनल से ये नया धमाका जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना देवो चुम्मा। मैं गाने से जुड़े कुछ लोगों के नाम आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ और उसके बाद फिर गाने के बारे में कुछ और बताऊंगा। जी हाँ, राजेश दीवाना इसके सिंगर हैं। वहीं पर लाला सुजीत लाल, ये इन्होंने इसके बोल लिखे हैं। पप्पू भाई का म्यूजिक है, संगीत जो है वो बड़ा शानदार है। और वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर पंडित इसके डीओपी हैं। और अगर बात करूं मैं कोरियोग्राफी की तो कोरियोग्राफी के जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जो डांस जिनका है इस गाने के अंदर, वो हैं राहुल स्टार और आर फॉर यू भोजपुरी से ये जो चैनल से ये गाना रिलीज हुआ है। गाने के लोकेशन बहुत शानदार लगे क्योंकि पीछे नदी, पहाड़ और बड़े ही खूबसूरत लोकेशंस पर इस गाने को फिल्माया गया है। ये इस गाने की एक बड़ी यूएसपी है। प्लस ये गाना जो है मुझे राजस्थानी स्टाइल में नजर आया। इस विधा को, गायकी के इस विधा को क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ना देवो चुम्मा लॉन्च हो चुका है आर फॉर यू भोजपुरी से और एक बार जाकर आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। सुंदर लोकेशन, साथ ही साथ बढ़िया डांस स्टेप्स और यूनिकनेस ये है कि जिस तरह से इसे फिल्माया गया है, इसके जो खास तौर पे जो ट्रॉली शॉट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो एक बार फिर आप लोग जाकर इस गाने को सुन सकते हैं और कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में।